हम यहाँ आ ही गए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन दबा देना। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, जाओ और फॉलो करो। वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज कोई गाना नहीं है। आप लोगों को याद होगा मैंने पहले भांगड़ा पे नो भांगड़ा इट्स मैं पहला भांगड़े ते भी ते नाले गिद्दे ते भी रिएक्शन किया सी। ते हुन एक होर है लोक डांस, लोक नाच बोलेंगे ना इसको। सो यस फोक डांस है पंजाब का लुड्डी और लुद्दी। मुझे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन लुड्डी ही लग रही है। सो टेल मी इन द कमेंट्स हिंदी में लिख के या पंजाबी में लिख के इट्स ड और द। तो अब इस परफॉर्मेंस इस डांस फॉर्मेट पर मैं रिएक्शन करने वाली हूँ। एंड मैंने भांगड़ा गिद्दा तो पहला ही वेखिया सी। वेखो ते ए वाली डांस फॉर्म मैं पहला कदे भी नहीं वेखी। सिख रहे हैं पंजाबी। सो यस देखते हैं ये डांस फॉर्म। मेरे लिए काफी यूनिक है क्योंकि मैंने सच में ये पहले कभी नहीं देखा है। एकदम नेचुरल सा रिएक्शन निकलेगा। पहली बार मैं ये देखने वाला हूं। मैंने पहले कभी सुना भी नहीं है इसके बारे में। इट्स जस्ट थोड़ा बहुत पढ़ा तो पता चला। तो सुन ले तो मतलब देख लेते हैं अब ये लुद्दी डांस परफॉर्मेंस भी एंड रिएक्ट करते हैं इसपे। ऑलराइट दे दिन चार तू मेंढे वाले दे
कर कर गलाऊं तेरी आते मेरिया बंजली बजा बेछोरा कोऑर्डिनेशन है यार। बगदी रावी दे विच कुंगियां दा जोड़ा बगदी रावी दे विच कुंगियां दा जोड़ा इक कुकी उठेगी ते पै गया बिछोड़ा बेछोरा लम्मे दिया बंजली बजा बेछोरा लम्मे दिया आहा एनर्जी लग रहे नैन अवेड़ लग
मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। आपको पता है कल परसों मतलब मैंने अपने इंस्टाग्राम पे किसी का गिद्दा का वीडियो शेयर किया था। मुझे बड़ा ही मजा आता है अभी ये पंजाबी डांस फॉर्म देखने में, और तो मुझे हर कल्चर को जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बट क्योंकि इस पंजाबी कल्चर से मेरे थोड़े ग्रैंड पेरेंट्स के रूट्स जुड़े, इसलिए मुझे और ज्यादा इंटरेस्ट आता है इस कल्चर में। तो मैंने गिद्दा उनका शेयर किया था और उसके बाद मुझे गिद्दे में इतना इंटरेस्ट आ रहा था, तो मैं वो स्टेप्स ट्राई कर रही थी अकेली अपने रूम में। और फिर मैंने सोचा कि यार अगर वेट लूज करना हो ना तो ये जिम विम जाने से अच्छा है ये अगर पंजाबी डांस फॉर्म्स ही घर पे प्रैक्टिस कर लिए जाए तो इंसान अच्छा खासा वेट लूज कर सकता है और एकदम शेप में आ सकता है। क्योंकि मैंने क्या चीज नोटिस करी कि यार पैर के स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ऐसा नहीं कि पैर की मूवमेंट जस्ट टिंग 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 हो रही है, जैसे ये दो पैर है तो वन विल जंप एंड वन विल डू लाइक दिस एंड दिस आगे पीछे जंप, और वो जंप लगातार चलता रहेगा, इट विल लाइक दिस 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 दिस, तो ये कंटिन्यूटी रहेगी। तो मैं देख रही थी कि कितनी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है ये सब करने से, और ये लुद्दी मुझे ऐसा लगा कि भंगड़ा और गिद्दे का मिक्सचर है। मैं गलत भी हो सकती हूँ ऑब्वियसली, तो मुझे आप कॉमेंट्स में बताओ, क्योंकि फुटस्टेप्स उनके एकदम गिद्दे जैसे चल रहे थे और हाथ एकदम भंगड़े जैसे चल रहे थे। एंड यू नो व्हाट, सबसे बेस्ट चीज मुझे ये पंजाबी डांस की क्या लगती है, द बिग स्माइल ऑन देयर फेसेस। आई मीन मुझे लगता है कि 50% जान तो वो स्माइल ही डाल देती है इन डांस फॉर्म्स में। सो एकदम जबरदस्त पंजाबी यूनिवर्सिटी का था ये जो पटियाला में है। मैं यार जिगरी के सूती डिग्री के जो एपिसोड्स पे कर रही थी रिव्यू नहीं, मैं उसके बारे में बात कर रही थी आपसे, तो भी पंजाबी यूनिवर्सिटी में ही शूट हुआ था। थोड़ा अभी वो ब्रेक हो गया उस पर, आई नो आई विल डू, यहाँ शिफ्ट हुई है तो वो माइंडसेट सा नहीं बन पा रहे, बट आई विल डेफिनेटली कंटिन्यू वो वाले एपिसोड्स। मैं तो बड़ा ज़्यादा इन्जॉय करी थी इसको, एंड आपने देखा होगा इसमें से मुझे वो याद भी था, ये मैंने अमरिंदर गिल जी गाने में सुना था, कौन सा, खसमानो खांदाई तेरा करवे चल मेले नु चलिए हो। सो यस, ओवरऑल मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी इसको, मेरा भी करने का दिल कर रहा था, हालांकि मैं बहुत ऑफ बीट जा रही थी क्योंकि मुझे ऑब्वियसली नहीं पता था इसके बारे में, बट मुझे बड़ा मजा आ रहा था और मैं किस तरीके से एंजॉय कर रही थी वो तो आप देख ही रहे थे। सो यस, दैट वाज माय रिएक्शन, कैसा लगा बताना कमेंट्स में जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना।